हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में मेरे पास है एक सवाल। अगर ओवरबीज बॉल को जो पानी के अंदर हम डालते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती हैं दोस्तों, अगर हम उसको बहुत ज्यादा दर्जा हरारत दे दें, यानी चूल्हे वाले टेम्परेचर से ज्यादा, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा किसी केमिकल रिएक्शन के जरिए, तो फिर दोस्तों उनका क्या होगा। तो भाई यही सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और दोस्तों कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद आपने कभी ना देखा हो। तो दोस्तों अगर आप पुराने हैं तो भाई दिल दे थैंक यू। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ले लिया और भी बॉल। अब बारी आती चीनी के प्याले की। तो दोस्तों इसके अंदर डालेंगे पोटाशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। इसको इस चीनी के प्याले में डालेंगे ताकि ये जलने पे कुछ असर ना दिखाए। तो दोस्तों अब बारी आती है और भी बॉल को इसके अंदर डाल देने की। तो दोस्तों अब आखिरी चीज़ मेरे पास जो बची है वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन को इसके अंदर डालेंगे। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। Please subscribe Mr. Everything Experiments. दोस्तों हमारे पास रिएक्शन के बाद प्याला काफी हद तक गर्म हो गया है। अभी सारी चीजें बाहर निकालते हैं और देखते हैं क्या बचा है। यहाँ पे दोस्तों ओवरबीज बॉल की स्ट्रेन भी जो है कुछ हद तक कम हो गई है और कुछ बिल्कुल ही गायब हो गई है। इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि दो चीजों को मिलाने के बाद हरारत पैदा होती है। तो दोस्तों यही काम यहाँ पर हुआ है।